नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिल्मी सफर में। मिथुन चक्रवर्ती को मिलने वाला है दादा साहब फाल्के अवार्ड और इस बात की जानकारी अब तक हर किसी को मालूम पड़ भी गई होगी। 8 अक्टूबर को ये सम्मान मिथुन दा को दिया जाएगा, जिसका फैंस को इंतजार भी है। लेकिन पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक मैसेज लिखा है, एक प्यार भरा बधाई पोस्ट किया है जो एक्स पर है, यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर था अभी वो एक्स हो गया है। और वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती के लिए पीएम मोदी ने बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातें लिखी है। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने की बात पर लिखा और कहा, मुझे खुशी है कि श्री मिथुन चक्रवर्ती जी इंडियन सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कल्चरल आइकॉन है, अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए वो पीढ़ियों से सहारे गए हैं। उन्हें आज भी लोग सराहते हैं, उन पर प्यार बरसाते हैं, उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्यार और अपनी बधाइयां जाहिर की है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट सेक्शन में देखना जरूर चाहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ या कोई बड़ी अपडेट के साथ।